नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स। तो वेलकम माई न्यू व्लॉग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं आया हुआ हूँ बस्ती चक नंबर 99P में, ठीक है। और यहाँ पर जी हमारी हिंदू कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा घर हैं और साथ में मुस्लिम कम्युनिटी के भी घर हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी का जो है एक शिव मंदिर है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आ रहे थे, हमें पता नहीं है शिव मंदिर की लोकेशन का, ठीक है। आ जाएं, कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं, ठीक है, कि शिव मंदिर कहाँ पर है। हेलो, राम राम ब्रदर। जय श्री राम भैया, कैसे हैं भाई? ठीक है, राम राम जी। अच्छा ब्रदर, क्या नाम है आपका? शागन राम। शाजन? शागन राम। शागन राम, ठीक है ठीक है। और आपका क्या नाम है? अजमल सागर। अजमल सागर। अच्छा भाईजन, हमें पता चला है कि यहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटी का एक शिव मंदिर है जो कि बहुत ही मशहूर है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ पर है वो? सभी यहाँ पे थोड़े फासले से जाएंगे हम, साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जी जी, बहुत धन्यवाद आपका जी। हमें ये भाई है जो कह रहा है कि यहाँ पर पास में ही है, ठीक है। और ये बाबा जी भी हमारे साथ है। राम राम जी। राम राम। कैसे हैं बाबा जी? ठीक ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारे नाम है नैनू। नैनू राम। राम जी जी, ये नैनू राम भी, आप भी पूजा पाठ के लिए जाते हैं मंदिर में? इधर इधर जो मंदिर है इसमें सब कुछ ही करते हैं कि? अच्छा अच्छा, चलें जी चलें जी, बहुत प्यारी बात है जी। हाँ बहुत प्यारी बात है, ऐसी चीज का तो सेवा करनी पड़ती है। हाँ 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 जी, बहुत प्यारी बात। उसने भी ये अमीर बनाना है जी जी, उसने उसके सारे से। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात की है जी। सबके लिए बराबर है और सब हम जाते हैं मिलजुल कर, ये यात्री ऐसे ऐसे चलती भी है। हाँ ठीक है जी बिल्कुल, इनकी इनकी पूजा पाठ से ही हमारी जिंदगी चलती है, कहने का मकसद इस तरह से है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमें ये अजमल भाई और सागन भाई हमें लेकर चलेंगे मंदिर वाली साइड पे, इस साइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएं जी, ठीक है आ जाएं, हम देखते हैं जी। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन ऐसे जाना पड़ेगा ना सागन भाई, ठीक हो गया जी। जी हाँ दोस्तों, ये गली के अंदर जाकर यहाँ पर तकरीबन कितने हैं हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के घर हैं, कितने हैं तकरीबन हिंदू कम्युनिटी के? इधर तकरीबन 200 से 300 हैं घर। इधर 200-300 है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, ये जितने भी घर हैं हमारे हिंदू कम्युनिटी के हैं? बोलिए, हिंदू कम्युनिटी भी है, मुस्लिम भी है। अच्छा, मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के, यानी कि मिक्स हैं सबके साथ? मिक्स जो है तकरीबन, वैसे तो 1000 से भी ऊपर घर बनता है इधर। अच्छा अच्छा, पूरा योग गाँव है ये। अच्छा, से ऊपर। तो सागन भाई आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो कितनी दफा आते हैं यहाँ पर इनके पूजा पाठ के लिए? यहाँ पे आते हैं, सुबह को भी आते हैं, शाम को भी आते हैं पूजा पाठ के लिए। जी जी, जिस टाइम मिलता है उस हिसाब से, अपने काम काज के हिसाब से आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर मेला वगैरह भी लगता है? जी जी, मेला भी लगता है। ठीक हो गया जी, साल में एक बार लगता है मेला भी। अच्छा 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 जी हाँ दोस्तों, अजमल भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर साल में एक दफा मेला लगता है और बहुत ही दूर दराज से लोग आते हैं। ठीक जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं जी मंदिर में, ठीक है। और देखिए जी, ऊपर भंगवे रंग का ये झंडा जो कि हमारी हिंदू कम्युनिटी का निशानदेही होती है, ये जहाँ पर मंदिर होता है, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग से बनाया गया ये चक 99 में मंदिर है जी, बहुत ही प्यारा सा। और आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खुला और प्यारा माहौल है, ठीक है। तो अजमल भाई, ये कितनी जगह में है तकरीबन? ली ये है कनाल से ज़्यादा है उस जगह। अच्छा, में है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। तो अजमल भाई कह रहे हैं जी यहाँ पर ये कनाल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अजमल भाई, आपने जो बनाया हुआ है ये किस लिए बनाया हुआ है ये जगह? ये स्टेज है भक्तों के लिए, जो भगत आते हैं भजन करते हैं उनके लिए स्टेज ये बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, उनके लिए स्टेज बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि वो सामने से बैठा रहें और इस साइड पे जो है ये तंबू वगैरह लग जाते हैं। तो ठीक है गाइस, हमारे साथ और भी कुछ दोस्त हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं, ठीक है जी। हाँ ब्रदर्स, एक और हमारे साथ ये हमारे हिंदू कम्युनिटी का बहुत ही प्यारा और सुंदर सा एक दोस्त है। राम राम ब्रदर, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, खैरियत? ज़रा ऊंचा बोलेंगे आप, ठीक है। और
अच्छा क्या नाम है आपका? जानी राम। जानी राम जी। अच्छा जानी राम आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल अभी फारिग हूँ, कोई मजदूरी वगैरह करते हैं। आप जो हैं ईश्वर की कृपा से इतने प्यारे और सुंदर से, आपकी सेहत का क्या राज है? सेहत बस यही कुदरत है भगवान की। अच्छा सेहत का क्या राज है जी आपका? बस यही भगवान की कुदरत है। अच्छा अच्छा चलें जी, ईश्वर परमात्मा इनको इस तरह सेहतमंद रखे। तो यहाँ पर पुजारी कौन है? नक्ताराम अबू जी। अच्छा अच्छा आपके अबू हैं? आपके अबू का क्या नाम है? नक्तिया जी। नक्तिया जी है, ठीक ठीक सही है जी। तो ये जो आपने मंदिर बनाया कितना टाइम हो गया इसको? ये तकरीबन 2014 में बना था। 14 में है ना जी, बना शुरू किया था। ठीक हो गया, आप हमें काइंडली थोड़ा विजिट करवा दें। ठीक है जी। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये मंदिर है जी, ठीक है। और ये भंगवे रंग का जो झंडा लगा हुआ है जी, ठीक है, जिनको देखते ही दिल को सुकून मिल जाता है, ऐसे ना अजमल भाई? हाँ तो हम जूता उतार के अंदर वाली साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जी टली लगी हुई है जी, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, ठीक है। तो ये भोलेनाथ जी की मूर्ति है, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी बनाई हुई मूर्ति है। और ये दिया वगैरह जलाते हैं, ठीक है, साथ में सिंदूर वगैरह भी रखा हुआ है, ठीक है, और ये शंख वगैरह भी रखा हुआ है बजाने के लिए, ठीक है। अच्छा तो सागन भाई आप हमें बताएंगे कि ये जो मूर्ति है ये आप कहाँ से लेके आए हैं? ये हमने बनवाई थी चक 99 पी। जयराम भगत है वो बनाते हैं मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, जयराम भगत हैं जो बनाते हैं 99 पी, जो कि उधर हमारे वाली साइड पे ही है। तो हम उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे भी आपको मिलवाएंगे जयराम से। काफ़ी दिनों से हम ये सोच रहे थे कि जयराम जी के पास भी जाना है, ठीक है। तो और बाकी ये जो आपने ऊपर ये यानी कि बनवाया हुआ है ये जी सा, और ये तकरीबन ये मेरे ख्याल में वही जयनाथ साहब भी आए थे इधर, है ना? अच्छा, और ये ढोल वगैरह भी रखा हुआ है छोटा सा जी, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और ये माता की मूर्ति है, अपना तस्वीर बनी हुई है माता जी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ की मूर्ति, बहुत ही प्यारा सा व्यू है दोस्तों, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाते रहें, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम अजमल भाई को कहेंगे कि हमें ये शंख बजा के दिखाए, ठीक है जी। हाँ फ्रेंड्स, ये अजमल भाई हैं जी, शंख बजाने की लगातार कोशिश में हैं मेरे ख्याल में। अजमल भाई दोबारा से ट्राई कीजिएगा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये अभी छोटा सा बच्चा है हमारे साथ, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमें बजा कर दिखाएगा, ठीक है। तो माइक लगा रहे हैं अच्छे से। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? करण। करण? करण कुमार। अच्छा करण कुमार है। स्कूल जाते हैं आप? पहले जाते थे, अब नहीं जाते हो, क्यों? बस। अच्छा बस, चलें जी हमें ये आप शंख बजा के दिखाएंगे हैं जी। अच्छा जी चलें जी। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। और थैंक यू सो मच। और दूसरा कौन सा है? हमसे बजते नहीं है और छोटा बच्चा है जो कि बजा लेता है। अच्छा बच्चे क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा जी, शिवा जी क्या बात है जी। शिवा जी हमें ये अब शंख है जी इनके हाथ में, ठीक है, ये हमें बजा कर दिखाएंगे जी। हाँ शिवा जी बजा कर दिखाए हमें। थैंक यू जी, थैंक यू शिवा, बहुत शुक्रिया आपका।
अच्छा अजमल भाई, हमें जी ये जो है बजाकर दिखाएंगे, तो अजमल भाई क्या कहते हैं इसको? मैं इसका नाम तो दो तीन है, यकतारा भी कहते हैं और हमारी मजहबी जबान में इसे बीना भी कहते हैं। बीना, हाँ। जी अच्छा, आपकी जबान जो है वो कौन सी जबान है? ये हमारी जबान है, मारवाड़ी जबान है। मारवाड़ी जबान, ठीक है जी। अच्छा, और ये बहुत ही प्यारा सा बनाया हुआ है, खूबसूरत सा, गाइस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने तैयार किया है? सागन भाई, मेरे ख्याल सागन भाई को पता होगा जी। कृष्ण लाल भी बात है, उन्होंने किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या हाल है आपका? ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? नंदू। नंदू, क्या बात है जी। गाइस ये नंदू छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा जी, हमें ये शंख बजा के दिखाएगा, हम बड़ों बड़ों की बात समझाती है। चलो जी बजा के, अभी सेटिंग कर रहा है जी। वेल्डन यार, वेल्डन बहुत ही जबरदस्त। क्या बात, चलो जी बस बेटा बस, सांस फूल जाएगी आपकी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जी हमारे साथ है नंदू राम, ठीक है, जिन्होंने हमें शंख बजा कर दिखाया और बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, ठीक है। और जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर का भी आपको व्यू दिखाते हैं, ठीक है।